नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नारायण और आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बाइसिकल एक्सेसरी के बारे में जो कि सेफ्टी पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी लोग उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिसका नाम है साइड मिरर्स। अब एक बात देखें तो ये है कि हम इंडियंस के माइंड में पहले से परसेप्शन बना हुआ है कि जो साइड मिरर्स होते हैं वो बाइसिकल के लुक को खराब करते हैं, और एक और बात है कि वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और दूसरी बात करें कि कई लोग ये मानते हैं कि वो इतने यूजफुल भी नहीं होते बाइसिकल के लिए। हाँ, इनमें से एक बात सच भी है कि जो बाइसिकल के साइड मिरर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं प्राइस में, जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर देख सकते हैं। बट अगर आप इंडियन रोड पर साइकिलिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पे मैंने एक ऐसा साइड मिरर परचेज करा है जो कि साइज़ में भी काफ़ी छोटा है और एक्सपेंसिव भी नहीं है, और मेरी साइकिल के लुक भी ख़राब नहीं करता। तो अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं इन साइड मिरर्स की। तो मैंने ये परचेज़ करा है जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ का एक सिंगल पीस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ये मैंने अपने लोकल शॉप से परचेज़ करा है जो कि लुक वाइज और साइज़ वाइज काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मैं ये आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन साइड मिरर जरूर परचेज करें, क्योंकि ये आपके साथ साथ दूसरे की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर आप दोनों साइड में परचेज करने में इंटरेस्टेड ना हो तो आप सिर्फ राइट साइड का साइड में परचेज कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जो मोस्टली साइकिलिंग करते हैं वो रोड के लेफ्ट साइड से करते हैं, और जो मेन ट्रैफिक पास होता है वो रोड के राइट साइड से पास होता है। इस चीज़ से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है साइड क्लियरेंस के लिए। और अगर आप ग्रुप मेंबर्स के साथ राइड कर रहे हैं तो आप अपने पीछे ग्रुप मेंबर्स को भी देख सकते हैं साइड मिरर्स के थ्रू। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। जो इसका इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको बस ये जो बोल्ट है उसे हल्का सा फ्री कर लेना है, और उसके बाद आपका जो हैंडल का साइड होता है, हैंडल बार जो होता है, उसके ऊपर आपको इसे फिट करना है। अगर आप इसे अपनी ग्रिप के ऊपर लगाएंगे तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको अपने ग्रिप की साइड को हल्का सा कट कर लेना होगा, और जो आपकी ग्रिप है उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर लेना है, जिससे जो आपका हैंडल बार है उसके ऊपर ये लग सके। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको इसमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टॉलेशन के लिए। आपको डायरेक्टली इसे ऐसे फिट कर देना है, और अपने जो बोल्ट है आपके पास उसे ऐसे टाइट करना है, या फिर आप अगर आपको जल्दी इसे टाइट करना है तो आप इसे जो इसका पूरा मिरर है उसे पकड़ के घुमा सकते हैं। अब ये हल्का सा टाइट हो गया है, तो इसे प्रॉपर टाइट करके फिर हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे अपने विज़न के हिसाब से कि हमें कितना विज़न पीछे का आ रहा है। तो मैं इसे हल्का सा एडजस्ट कर लूँगा, और जो इसका व्यू है उसे भी सेट कर लूँगा। तो अभी मेरे को काफ़ी क्लियर जो इसका व्यू है पीछे का वो मिल पा रहा है, और मेरी हाइट के हिसाब से और मेरी सीट पोस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर लगे तो लाइक करना, और हाँ, एक साइड मिरर जरूर आप परचेज करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।